हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे मोटोरोला का मोबाइल है और आपके मोबाइल में यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली वॉल्यूम अप एंड डाउन का प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे जब भी आप लोग यहाँ पे यूट्यूब वगैरह में वीडियो वगैरह वॉच करते हैं तो उस टाइम पे आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली वॉल्यूम कम होने लगता है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे वॉल्यूम जो है बढ़ने लगता है। तो ये सभी प्रॉब्लम अगर आपको अपने मोबाइल में देखने को मिलता है तो इसको आपको यहाँ पे कैसे ठीक करना है, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे इसको ठीक करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट तरीका रहता है वो ये है कि आपको अपने फ़ोन को रिसेट कर लेना है या तो फिर अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके दोबारा से ऑन कर लीजिए। तो ये सभी चीज़ें जो है करने के बाद ज़्यादातर जो प्रॉब्लम रहता है वो सॉल्व हो जाता है, बट अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट स्टेप आपको अप्लाई कर लेना है। तो फिर यहाँ पे आपको अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट को चेक करना है। अगर आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो आपको यहाँ पे अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेना है, क्योंकि अगर आपका मोबाइल पुराना हो जाता है और आप लोगों ने बहुत दिनों से सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया रहता है तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम आता है। तो अगर आप अपडेट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा और साथ ही साथ जो भी सॉफ्टवेयर का ग्लिच वगैरह आता है तो वो भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो आप लोग एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो ये सभी चीज़ें आपको अप्लाई करना है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली वॉल्यूम कंट्रोल सेटिंग होता है जो कि अगर आपके मोबाइल में अवेलेबल है तो आप लोग उसको डिसेबल कर सकते हैं, जो कि हर एक स्मार्टफोन में नहीं होता है, कुछ कुछ स्मार्टफोन्स में होता है। तो आप लोग चेक कर लीजिए कि आपके मोबाइल में अवेलेबल है कि नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि अब एक बार आपको अपने फ़ोन का वॉल्यूम बटन चेक करना है। कई बार क्या होता है कि आपके मोबाइल का वॉल्यूम बटन जो है वो यहाँ पे डैमेज हो जाता है तो इस वजह से भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। तो आप लोग उसको भी चेक करिए, अगर डैमेज हो चुका है तो अपने आसपास के मोबाइल शॉप में जाके आप लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम को ठीक करा सकते हैं, क्योंकि ये हार्डवेयर का प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे सेटिंग करने से ये सब चीज़ें जो है सॉल्व नहीं होंगी, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।